अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और 3 डेज बाद आज लेट सुबह हुई है क्योंकि आज है कॉलेज की छुट्टी, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होता है आप लोगों को पता है, इस वजह से अभी लेट सुबह हुई है। और रात को मैं व्लॉग एडिट नहीं किया था क्योंकि रात को मैं फिल्म वगैरह देख रहा था अपने लैपटॉप पर। मैंने बोला चलो थोड़ा माइंड फ्रेश होगा फिल्म वगैरह देखकर, क्योंकि काम 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 सिर्फ काम। तो अभी व्लॉग एडिट करने के लिए बैठा हूँ, तो अब करता हूँ जल्दी से व्लॉग एडिट। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। व्लॉग एडिट कर चुका हूँ और ये रहा लैपटॉप में व्लॉग एडिट हो गया। अब सिर्फ रेंडर होना बाकी है। और ये छोटा आ गया, उमर इधर आइए, गिर जाओगी। इसकी हरकत चेक करें, इधर आओ मम्मी पास। गिर जाएगा इधर। हेलो करो। अब मैं जल्दी से ये सेव करके व्लॉग अपलोड करता हूँ। व्लॉग वगैरह अपलोड कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ शॉप, क्योंकि टाइम हो रहा है शॉप जाने का। शॉप से अभी जा रहा हूँ घर खाना वगैरह खा के फिर उसके बाद तोते वगैरह को देखने जाऊँगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया, फ्रेश भी होना मुझे। खाना वगैरह खा के मैं फारिग हो गया और फ्रेश वगैरह भी हो चुका हूँ। और हाँ, आज मेरे भांजा जो हुआ था उसका आज नाम रखाएगा, तो छोटा सा फंक्शन है, उधर भी जाना है मुझे। और मैं भी आया हूँ, मैंने बोला चलो तोते को देख लो कि इन लोगों के पास खाना या नहीं है। तो अरे ये तो ऊपर नहीं है, ये लोग नीचे हैं। मामा ने इतना गत्ता वगैरह लगाया है कि कहीं ये लोग भाग ना जाएं। चारों है ना, हाँ चारों हैं। तो शाम के टाइम मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा और कराची का मौसम भी तब्दील हो रहा है, थोड़ा सर्दी में व्यू काफ़ी अच्छा है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। मैंने बोला चलो, और अक्सर मैं जब टेरिस पर आता हूँ ना तो मैं फ्रेश होकर नहा कर आता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, ठंडा फील। इस वजह से मैं अक्सर नहा के फारिग होकर तभी आता हूँ टेरिस पे, तोते को भी देख लेता हूँ और थोड़ा फ्रेश हवा भी लेकर फिर जाता हूँ। आज सैटरडे थी, छुट्टी थी, तो आज मुझे जाना भी है। दोस्त को कॉल किया था, मैंने बोला आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास, देखो ये लोग मैच वगैरह खेलेंगे तो कल की तरह थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट हो जाएगा। फिर उधर तो सिस्टर के घर रात में जाना है, मैं 8 बजे के बाद जाऊँगा। बाकी पूरे घर वाले जा चुके हैं और आयशा भी आई थी, तो आयशा भी गई है शॉपिंग करने अपनी मामा के साथ, अपना ड्रेस लेने। तो वो आएगी तो मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊँगा। चले भाई, अब पूरा फ्रेश मैं हो चुका हूँ, मगरिब का टाइम भी होने वाला है, 1.5 घंटा बाकी। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, दोस्त की कॉल आई थी, भाई कहाँ है आ जा। मैंने बोला चलो यार आ रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ नीचे उन लोगों के पास। देखें आज कैसा क्रिकेट खेलते, कल तो ये लोग पागलों वाली क्रिकेट खेल लेते, एक दूसरे को मार लेते। टेरिस से कुछ काम करने लग गया था यार, हमेशा यही होता है, लेट हो जाता है, गुस्सा आ रहा होता है। दोस्त भी गुस्सा कर रहा है कि कब से वेट कर रहा हूँ, क्यों नहीं आया। मैंने बोला यार कुछ काम कर रहा था, आ रहा हूँ। हाँ टोटला अब इन लोग से बोल सही होने वाला नहीं है शेरी। आपका हेल्थ देखेंगे कि छक्का लगता है नहीं लगता। कल तुम जो हरकत की हो ना याद है, तुम बोलो ही मत। वो आंटी है, बॉलिंग चेक करो। अरे बॉलिंग चेक किया ना आप लोगों ने, कैसा बॉल लगा। इसको बोलते हैं मैच खेलना, कैसा खेला। अबे मगरिब का टाइम होने वाला
शेरवार इज वन आउट है जो बोलो वो होगा शेरी ताहा को आउट करना शेरी शेरी ताहा को आउट कर अबे आउट हो रिजवान करवा शाबाश रिजवान रिजवान आउट होना चाहिए हाँ करवा करवा आउट कर मार दिया आ चुका हूँ दोस्तों के पास से काफ़ी मज़ा आया मैच खेलने में मुझसे बस सबर नहीं हो रहा था मैंने बोला चलो थोड़ा सा मैच खेल लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन सिलो बॉल भी करवा रहा था सिलो क्योंकि पाँव की वजह से इसलिए थोड़ा सा मैच खेला काफ़ी मज़ा आया अभी मैं आया हूँ घर वाले सारे सिस्टर के घर जा चुके अब मुझे जाना है कुछ सामान लेने फिर रेडी होना है फिर उसके बाद सिस्टर के घर जाना है क्योंकि आज मेरे लिटिल बॉय मेरे भांजे का बर्थडे वो है नाम रखाएगा आज के उसका क्या नाम रखना है तो देखते हैं कि कौन नाम सेलेक्ट करता है और कौन सा अच्छा नाम होता है उसके लिए रेडी हो चुका हूँ मैं अब जा रहा हूँ सिस्टर के घर वहाँ सारे वेट कर रहे हैं और मैंने नाम भी सोच लिया और उनको बता भी दिया कि नाम रखना हसन अली अब उन्होंने कहा ठीक है अब देखते हैं वहाँ पर कि नाम क्या रखाता है अली हसन भी अच्छा नाम है अली हसन अली हसन सही है अली हसन सही है क्या बोलते हैं अली हसन ज़्यादा अच्छा लग रहा है अच्छा टेबल लग रहा है चलो फिर हाँ जो हाँ हसन अली सही है आराम से आराम से बिस्मिल्लाह पहले लिखते हैं चलो ठीक है फिर ऊपर लिखिए मुंह से तो बोल दिए इसको सेट करिए इधर लिख दिए डायरेक्ट बीकॉम करवा नर्सरी नहीं पढ़ मंगल मंगल अभी मामा बता रही नहीं नहीं मामा बताई ये अभी वहाँ लिख दिया बच्चा कौन से सन में शादी करे कौन से सन में बड़ा हो लिख दिया इन लोगों ने मामा बस ना हो गया ना ये नहीं ये क्या दूसरा कौन सा ये मेरा ना ये देखिए जरा मामा ने क्या बताया अब्दुल्ला एक ही नाम एक नाम नहीं नहीं ठीक है ना ठीक है आ चुका हूँ मैं घर और माशाल्लाह से नाम भी रखा गया उसका हसन अली
ठीक है। और दूसरा नाम मामा के पसंद का था अब्दुल्ला, बट मामा लोगों ने मना कर दिया। मामा लोगों ने बोला नहीं एक ही नाम सही है। मैंने बोला एक ही नाम सही क्यों, घर में तो सबका दो दो नाम है, क्योंकि मेरा भी दो नाम है। एक नाम शुएब है, शेबी जो आप लोग जानते हैं, और दूसरा नाम मेरा रहीम है, जिसमें मेरे कज़न जो है तायब्बू के सारे बेटे वो ना मुझे रहीम के नाम से बुलाते हैं, और मैं काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता हूँ इस नाम से, क्योंकि मैं मुझे सब शेबी बोलते ना, ये नाम मुझे पसंद है और रहीम नाम मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मामा ने कहा कि बस हसन अली सही है, दूसरा नाम इसका नहीं रखते। तो बस छोटा ही सा फंक्शन था, इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। हम लोगों ने थोड़ा रूम डेकोरेट कर दिया था, सिस्टर लोग गई थी, थोड़ा रूम डेकोरेट किया उसका, और खाना वगैरह था, और बस यही था। थोड़ा बहुत सारे रेडी होकर गए थे, बस छोटा सा फंक्शन था, सिर्फ नाम रखना था उसका, और नाम रख दिया हम लोगों ने माशाल्लाह से। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें आप लोग, और साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस करना, दुआओं में याद रखना, और हसन अली के लिए भी दुआ करना कि अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, और एक कामयाब इंसान बनाए। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।